नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक पंछी का घोंसला बनाने का तरीका देखने जा रहे हैं। इस पंछी को हिंदी में बाया बर्ड बोलते हैं, मराठी में सुगरन बोलते हैं और इंग्लिश में वीवर बर्ड बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसे घोंसले लटकाए रहते हैं, जहाँ भी वो पानी उसके नीचे होगा, कुआं होगा या नहर नाले के पास में आपको दिखाई देगा कि ये जो बाया बर्ड्स है वो अपना घोंसला बनाने में बहुत व्यस्त होता है। घोंसला बनाने का तरीका और बहुत ही सुंदर घोंसला होता है। ये घोंसला बनाने का काम बाया बर्ड का वो जो नर पक्षी होता है वही घोंसला बनाता है। क्या है बाया पक्षी वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और आप देख सकते हैं कि कई कई जगहों पे बहुत सारे घोंसले लटकते हुए नजर आएंगे। माया पक्षी का प्रजनन काल बरसात के दिनों में होता है। नर पक्षी एक घोंसला बनाने का काम बरसात के 2 महीने पहले ही शुरू कर देता है। पूरा का पूरा काम ये नर पक्षी ही करता है और ये पूरा घोंसला बनाने के लिए उसको 2 महीने का वक्त लग सकता है। जब घोंसला आधा पूरा हो जाता है, माना जाता है कि एक नर 3-4 आधे घोंसले बना देता है और जो मादी बाया होती है वो देखती रहती है, कोई भी मदद वो घोंसला बनाने में नहीं करती। घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे धागे निकाल के घास के या नारियल के पेड़ के या शुगर केन के निकाल के जो धागे आए वो बूंद बूंद के नर माया पक्षी घोंसला बना देता है। आधा घोंसला बनाने के बाद में मादी जो माया होती है वो आके जो भी घोंसले बने हुए हैं देख के घोंसले जिसका घोंसला उसको पसंद आता है उसके साथ में वो अपनी दोस्ती बना लेती है और जो घोंसला उसको पसंद आया है वो घोंसला नर माया पक्षी पूरा बना देता है। जितना घोंसला बनाया है उसको देख के ही किसान लोग अंदाजा लगाते हैं कि बारिश कब तक आने वाली है। देख सकते हैं यहाँ कितनी चहल पहल नज़र आ रही है, बहुत सारी आवाज़ें भी निकाल रहे हैं ये माया पक्षी और उड़ उड़ के जाते हैं और वहाँ से तिनके ला के यहाँ आके बुनना शुरू कर देते हैं। कम से कम 4 महीने से मैं इस जगह पे आ रहा था और उनका प्रोग्रेस मैंने देखा है। बहुत सारे जगह पे अगल बगल पे कुएं पे भी मैं गया लेकिन वहाँ के जो माया पक्षी थे वो आदमी का प्रेजेंस देखते ही वहाँ से घोंसले से दूर चले जाते थे, लेकिन इस जगह पे जो है ये जो बाया पक्षी है वो अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहा करते थे। ये घोंसला बनाने के बाद उनको पानी से बरसात से भी प्रोटेक्ट होना चाहिए और ऐसा जगह पे बनाते हैं कि बारिश का पानी उसके ऊपर ज़्यादा नहीं गिरे और दूसरा है कि वो हवा भी उसका मुँह ऐसा बना देते हैं कि हवा ज़्यादा अंदर नहीं घुसे, पूरा उसका मुंह नीचे लटकता रहता है और नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं। बीच में वो बलून के माफिक ये घोंसला बड़ा बनाया जाता है। शाम के समय में बहुत सारे अगल बगल के भी पंछी एक जगह के आके खेत में घूमते हुए नज़र आते हैं। पूरा हो सकता है कि 1 किलोमीटर के एरिया के पूरे पंछी एक साथ में आके खाना खाने के लिए इधर उधर खेत में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये छोटा सा बाया घोंसला बनाने में बहुत माहिर होता है। उसके अंदर देखा गया है कि लाइट के लिए भी जो जुगनू होता है उसको पकड़ के लाके उसके घोंसले के अंदर चिपका देता है कि उसके अंदर लाइट बना रहे। कि एक ही बाया नर पक्षी होता है वो 2-3 जगह पे भी अपने घोंसले बना सकता है और 2-3 जगह पे अपने मादी के साथ वो संग कर सकता है। 3 महीने के बाद में
देखा था तो एक जगह पे, इसी जगह पे देखो, एक बाया पक्षी ने दो मंजिली अपना घोंसला बनाया, कितना सुंदर रख रहा है और लटक रहा है। ये तो एक अजूबा सा था, हमने सोचा भी नहीं था कि वो दो मंजिली बना देगा। जैसे कि हम लोग मल्टी स्टोरी बनाते हैं, वैसे उसने अपना घोंसला दो मंजिली बना दिया है। बाया बर्ड का वीडियो आपको कैसे लगा? और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नम्रताज होलसम मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना, कि मैं आपको और भी ऐसे वीडियो डालता रहूं। थैंक यू वेरी मच।